ओम शांति हम कोर्स कर रहे हैं सेवन डेज का और दूसरा लेसन चल रहा है परमात्मा अनुभूति का तो कल हमने परमात्मा का परिचय सुना नाम शिव बाबा रूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु गुण रूप में बिंदु होते हुए सर्व गुणों में वो सिंधु हैं उनसे हमारा संबंध वो हमारे सब कुछ हैं तो हमें वह सर्वम ममा देवदेवा मात पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है लेकिन वर्तमान समय परमात्मा तीन रूप में हमें मिलते हैं बाप टीचर और सदगुरु के रूप में उसके बाद प्राप्ति परमात्मा से वो सब कुछ मिलता है जो हमारी आत्मा की आवश्यकता है और वो पिता हैं इसलिए वो हमें इनहेरिटेंस भी देते हैं वर्षा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का उसके बाद उनका स्थान उनका स्थान एड्रेस वो परम धाम है इसके लिए कहा गया है ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम तो वो मुक्ति धाम परम धाम निर्वाण धाम शांति धाम स्वीट साइलेंस होम ऐसे अनेक नाम से जिस घर को हम जानते हैं वही परमात्मा का अपना घर है वहीं वो निवास करते हैं उसके बाद हमें जानना था कि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है आज हम कर्तव्य के बारे में आगे पढ़ेंगे लेकिन आज पहले हम परमात्मा के बारे में थोड़ा सोचें कौन है भगवान किसको भगवान कहना चाहिए क्योंकि जैसे ही भगवान का नाम उठता है तो बहुत सारी बातें मन में आ जाती हैं आखिर भगवान कौन है एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ एक बार एक भाई बहुत अच्छे ऑफिसर थे वो हमारे पास मिलने आए और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमें बताई वो प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें बचपन से ही देवी देवताओं की मूर्तियाँ कलेक्ट करने का शौक़ था तो इसलिए जब भी उनका बर्थडे होता या कोई ओकेज़न होता तो उन्हें मूर्तियाँ ही गिफ्ट में मिलती तो उन्होंने उसको अपने एक बड़ा कब्ब में सजा के रखा उसके बाद उनकी शादी हुई तो जिस कन्या से उनका विवाह हुआ जो उनकी पत्नी है उनको भी मूर्तियाँ कलेक्ट करने का शौक़ उनको भी भगवान से मतलब अलग अलग देवी देवताओं से बहुत प्यार तो उन्हें भी वही गिफ्ट मिले तो ऐसा करके एक पूरा कमरा देवी देवताओं का बन गया है बड़ा रॉयल क्वार्टर है और उस क्वार्टर का सबसे बड़ा कमरा जो है उन्होंने उसको पूजा रूम के हिसाब से रखा है और वहाँ इतने सारे देवी देवताए हैं पहले दोनों मिलकर के देवी देवताओं की पूजा करते थे तो सुबह सुबह दो घंटे में पूजा संपन्न हो जाता था लेकिन अभी भाई साहब ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं ऑफिस में वो बिजी हो गए हैं तो उनकी युगल को पांच घंटा समय लगता है पूजा करने में क्योंकि सभी मूर्तियों को नहलाना होता है उनको भोग खिलाना होता है उनको वस्त्र पहनाना होता है तिलक लगाना होता है फूल चढ़ाना होता है अगर उसमें से कोई एक रह गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो ये उनकी भावना है और सुबह पाँच घंटा छः घंटा समझो पूजा में वो बैठते हैं तो अब भाई का कहना है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है क्योंकि ये कंपलसन है करना ही पड़े बाकी सब काम छोड़ करके क्योंकि इतने सालों से हमने रखा है तो हम इनका अब क्या कर सकते हैं सोचो अब इतने सब देवी देवताओं को पूजा करने के पीछे क्या उद्देश्य है क्योंकि कोई नाराज ना हो जाए इसलिए सबको तिलक करना है सबको कपड़े पहनाना है इस वृत्ति से भक्ति कर रहे हैं तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब इतना बड़ा परिवार है उसमें से भगवान कौन है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ गॉड इज वन एंड ओनली वन यदि भगवान एक है तो इतने सब बाकी सब कौन है आप बताइए कौन भगवान है रामचंद्र भगवान है जी हाँ तो फिर कृष्णचंद्र कृष्ण भी भगवान है माता दुर्गा वो भी भगवान है जगन्नाथ भी भगवान है गणेश भी भगवान है हनुमान भी भगवान है अच्छा इनमें से फिर भगवान कौन एक कौन है तो आज इस रहस्य को हम जानेंगे कि आखिर भगवान कौन है यूनिवर्सल ट्रुथ गॉड इज वन एंड ओनली वन ईश्वर एक है भगवान एक ही है वो दो चार नहीं हो सकते हैं जबकि वो एक हैं, तो वो कौन एक होना चाहिए भगवान वो जो सर्वमान्य हो ऐसा नहीं कि मैं कहूं ये भगवान है और दूसरा व्यक्ति कहे नहीं, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते हैं हर हृदय कहे यही भगवान है तो भगवान सर्वमान्य होना चाहिए दूसरा सर्वोत्तम होना चाहिए उनसे उत्तम और कुछ नहीं कोई भी नहीं सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए वही सबसे श्रेष्ठ है सर्वोच्च होना चाहिए उनके ऊपर भी और कोई नहीं ऊंचा भी और कोई नहीं सुना और वो सर्वशक्तिवान होना चाहिए वो सर्वज्ञ होना चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए तो ये जो परमात्मा के ये सब क्राइटेरिया हैं चलो इनको हम लेते हैं किसी भी देवी देवता को जिनको मैं मानती हूं हो सकता है आप नहीं मानेंगे जिनको आप मानते हो मैं किसी और दूसरे देवता को मानती होंगी लेकिन ईश्वर भगवान परमात्मा वो सर्वमान्य हो तो इसलिए सर्व आत्माओं के पिता एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिनके लिए जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट एंड गॉड इज वन एक है परमात्मा और वो लाइट है प्रकाश है ज्योति है गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओमकार वो एक है और ओमकार है सत नाम कर्ता पुरुख वाह गुरु बहुत सारा नाम उनको दिया है उस एक निराकार ज्योति परम ब्रह्म परमेश्वर को हिंदू धर्म में तैतीस करोड़ देवी देवताएं हैं लेकिन ईश्वर एक है भगवान एक है वो सभी देवों के देव हैं वो ब्रह्मा के भी ईश्वर ब्रह्मेश्वर हैं, वो देवों के देव महादेव हैं जित वो ईश्वर हैं, वो परमेश्वर हैं, वो काशीनाथ हैं वो गोपेश्वर हैं, वही अमरनाथ हैं तो इतने सब देवी देवताओं के बाद भी मंदिरों में आपने देखा होगा शिव का मंदिर शिवलिंग के रूप में जिसको नाक कान मुख इत्यादि कुछ भी नहीं है और बड़ा सुंदर चौपाई तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है वो वाक्य का है जब सेतु की प्रतिष्ठा होनी है और रावण ने राम से पूछा कि आपके इष्ट देव कौन है जिनकी पूजा आराधना की जाए और उनकी मूर्ति स्थापित किया जाए अभी तो समय बड़ा सुंदर चौपाई जो रामचंद्र जी बोल रहे हैं तुलसीदास ने लिखा वो ये है लिंग था पिधवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोही नहीं दूजा लिंग था पिधवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोही नहीं दूजा माना वो परमात्मा ज्योति बिंदु है उनको अंकित किया नहीं जा सकता उनकी मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती है हाँ उनका मैं प्रतीक बनाता हूं तो उन्होंने क्या किया बालू को इकट्ठा किया और एक प्रतीक बनाया जिसे हम शिवलिंग कहते हैं लिंग का मतलब प्रतीक सिमटम तो परमात्मा का वो सिमटम बनाया गया और रामचंद्र जी ने उसकी पूजा की इस प्रकार से एक मान्यता है तो वो राम के भी ईश्वर रामेश्वर गाए गए सुना और एक जगह पे तुलसीदास जी लिखते हैं कौन है भगवान तो उसके लिए उन्होंने लिखा बिन पग चले सुन ही बिन काना उनके पाव नहीं है वो चल सकते हैं सुन ही बिन काना बिना कान के वो सुन सकते हैं बिन कर कर्म करे विधनाना उनको हाथ नहीं है लेकिन वो विविध कर्म कर सकते हैं सुना तो वो है कौन निराकार परम ज्योति परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा इस्लाम मूर्ति पूजा के विरुद्ध है फिर भी कावा पत्थर शिवलिंग का ही प्रतीक है ज्योति का प्रतीक है जिसे वो बहुत विशेष मान्यता देते हैं और परमात्मा के उसी ज्योति रूप को ही मानते हैं और कहते हैं अल्लाह नूर है अल्लाह नूर माना ज्योति है वही परम ज्योति है नूर इलाही उनको कहा जाता है सब नूरों में सब रूहों में जो इलाही सर्वश्रेष्ठ है वो नूरे इलाही परमात्मा है तो परमात्मा को ज्योति रूप में सारा विश्व मानता है अब आप देखें आपका हृदय किसको मानता है सोचें आप कहेंगे मैं श्री रामचंद्र जी की पूजा करता हूं श्री कृष्ण की पूजा करता हूं जगन्नाथ जी की पूजा करता हूं मातृशक्ति की पूजा करता हूं बहुत अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जब बात ये आती है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो तब जिस ईश्वर को मैं बुलाता हूं जिस प्रभु को मैं बुलाता हूं उनको देखो तो नाक है ना कान है ना कोई चीज है एक दृश्य अपने मन में लेके आए समझो आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी आई है आप उसका एक्सलेटर बढ़ाए जा रहे हैं स्पीड बढ़ी जा रही है 100 पे आ गई स्पीड हंड्रेड ट्वेंटी पे आ गई आप बड़े एक्साइटेड हैं और 140 पे गाड़ी चल रही है अचानक आप देख रहे हैं कि सामने एक पेड़ है तो आप किसको याद करते हैं हे प्रभु रक्षा करो और आप उन्हें विजुअलाइज भी करते हैं वो प्रभु आते हैं आपकी रक्षा करते हैं आप बिल्कुल सेफ हैं इस प्रभु को भी बुलाया था तुरंत उनको भूल जाते हैं फिर देखते हैं हाथ पांव को चोट तो नहीं लगी गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं कुछ और मुश्किल तो नहीं हुई लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को आप चेक करें किसको आपने बुलाया था किसका आवाहन किया था कौन आया था किसने आपकी रक्षा की दिल से देखिए आपको एक ज्योति दिखाई देंगे वो परम ज्योति परम ब्रह्मा जिन्हें आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो ब्रह्मलोक निवासी परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम ज्योति वो लाइट वो प्रकाश के रूप में आए उन्होंने आपकी रक्षा की और उसके बाद फिर तुरंत आप उनको भूल गए तो वो ज्योति ज्योति बिंदु निराकार परम पिता परमात्मा ही हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता हैं सभी धर्म की आत्माएं उन्हें ही मानती है वो इस धरा पर स्वयं आते हैं इसलिए उन्हें स्वयंभू अर्थात शंभू कहा गया है वो अल्लाह ताला खुद इस धरती पे आते हैं इसलिए उन्हें खुदा कहा गया है तो वो निराकार परमपिता परमात्मा वो अल्लाह वो खुदा वो वाहे गुरु वो गौर वो परमेश्वर एक हैं मनुष्य आत्माओं ने धर्म की दीवारें बनाई है लेकिन धर्म दीवार नहीं है इसलिए एक्चुअली धर्म क्या है शास्त्रों में कहा गया है धार्यते इति धर्मा जीवन की धारणाएं धर्म है दीवारें धर्म नहीं है तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूं यह कोई धर्म नहीं है ये मनुष्यों का बनाया हुआ धर्म है हाँ उसे रिलीजन कहते हैं तो ठीक है उसका शायद कोई डेफिनेशन अलग हो लेकिन जब धर्म कहा जाता है संस्कृत शब्द धर्म वो धारणा से आता है धारणा माना जीवन की धारणाएं, मैं अपने जीवन को कैसे चलाता हूँ और हर धर्म अच्छा कुछ करना सिखाता है माना हमारे जो धर्म पिता हैं उन्होंने हमें अच्छा कुछ सिखाया था परंतु हमने उसको विकृत रूप दे दिया क्योंकि मनुष्य ज्यो ज्यों प्रधान बनता गया त्यों त्यों बातों को तमो प्रधान बनाता गया लेकिन अभी समय है कि हम धर्म को पहचाने सत्यता को पहचाने सभी मनुष्य आत्माओं का एक ही धर्म है उस धर्म को हम आध्यात्मिक चेतना कह सकते हैं जब कोई जन्म होता है तो वो वास्तविक धर्म का ही होता है सुना वो आदिम धर्म का होता है उसके बाद हम उसको टैग लगाते हैं तो हिंदू है तो मुसलमान है तो सिख है कि तो ईसाई है लेकिन जन्म से ही तो हर कोई मनुष्य आत्मा इस धरा पे कर्म करने के लिए आता है तो इसलिए हम सबको परमात्मा का वास्तविक परिचय जानना जरूरी है जब हम उनका वास्तविक परिचय जानेंगे तभी उनको याद कर सकेंगे और परमात्मा के याद से ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे कैसे होगा वो तो हम आगे आने वाले लेसन्स में जानेंगे लेकिन फिर वही बात कि आध्यात्मिकता इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बातें आपको बताई गई ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास पहले भी होगा पहले भी आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर एक है भगवान एक है तो फिर बाकी ये सब देवी देवताएं कौन है तो क्या हम हमने क्यों देवताओं की पूजा की वो भी हम विचार करते हैं हम भी एक ऐसी धरती पे बैठे हैं भारत भूमि जो भावना की भूमि है मनुष्य आत्मा भावनाओं से ही रिच होता है भावनाएं उसके जीवन में सुकून लेके आती हैं और हमारी भावना यहाँ के इस प्रकार की है कि हम हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं सुना घर में बड़े भाई को पिता तुल्य मानते हैं इतना ही नहीं आप देखें जब आप नॉर्थ में जाते हैं राजस्थान वगैरह में हर किसी को बाऊजी कहके बुलाते हैं बाऊजी मीन्स फादर कोई भी व्यक्ति जो आपके फादर की उम्र का है उसको आप बाऊजी के बुलाते हैं और हरियाणा तरफ ताऊ कह के बुलाएंगे कहीं कुछ कहीं कुछ मतलब एक रिश्ता लेकर के बुलाते हैं जबकि वो आपका कुछ नहीं लगता है कोई नहीं लगता है कोई रिश्तेदार नहीं है लेकिन हर व्यक्ति से हमारा कनेक्शन है क्योंकि हमें ये सिखाया गया है अयम निजो परो वेती गणना लघु चेत उदार चरित नाम वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये सारी वसुधा एक परिवार है हम सब एक ही फैमिली के हैं हमारा पिता एक है और इस भावना से हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू किया सुना रिस्पेक्ट देते देते हमने देवताओं को भी भगवान समझ लिया देवताएं वास्तव में इसी धरा पर होकर के गए श्री रामचंद्र जी इसी भारत भूमि पे होके गए हैं श्री कृष्ण भी इसी भारत भूमि पे होके गए हैं इन सबका यही कर्म भूमि है कर्तव्य भूमि है।, है फिर हमने उन्हें ईश्वर उन्हें भगवान क्यों कह दिया एक और सुंदर लॉजिक जब हम गॉड भगवान के लिए लिखते हैं तो जी कैपिटल लिखते हैं जी ओ डी गॉड और जब हम गॉड गॉड लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में गॉड गॉड लिखते हैं माना देवताएं देवताओं को हम भगवान के तुल्य मानते हैं पर वो भगवान नहीं है वो देवी देवताएं हैं सुना जैसे बड़ा भाई पिता तुल्य है लेकिन पिता नहीं हो सकता है वैसे देवी देवताएं हमारे पूजनीय हैं लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते हैं उतना ही नहीं धीरे धीरे हमने सब में भगवान देखना शुरू किया क्योंकि ये जो देवता का कॉन्सेप्ट है वो बहुत सुंदर है देवता माना देने वाला तो जिसने हमें देना शुरू किया हमने उनको पूजना शुरू किया देखा सूर्य हमें रोशनी देते हैं ऊर्जा देते हैं उनकी उपस्थिति से ही सब कुछ चल रहा है हमने सूर्य देवताए नमः कहा चंद्र ने हमें शीतलता दी रात को हमें दिगा दिगा दर्शन देते हैं इसलिए हमने चंद्र देवताए कहा पेड़ पौधे हमें फल देते हैं ऑक्सीजन देते हैं तो हमने पेड़ों को भी पूजा करना शुरू किया गौ माता हमें दूध देती है बैल हमारे लिए खेती जोतते हैं तो हमने गायों की पूजा शुरू कर दी बैलों की पूजा शुरू कर दी इतना ही नहीं जहाँ जिसने जो कुछ भी दिया हमने उनकी पूजा शुरू कर दी नदी की पूजा शुरू की प्रकृति के पांचों तत्वों माता प्रकृति की पूजा की उसके पांचों तत्वों की पूजा की रिस्पेक्ट दिया कोई उसमें हर्जा नहीं है लेकिन उस रिस्पेक्ट के कारण जब हम भगवान को भूल गए हर्जा वहां से शुरू हुई सुना धीरे धीरे इनको पूजा उनको पूजा करते करते एक समय आया जब हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है सब जगह ईश्वर है तुम भी ईश्वर हम भी ईश्वर पेड़ पौधे भी ईश्वर सब कुछ ईश्वर है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है बाबा ने हमें बताया जब हम ये सोचते हैं कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो वो हमारा भ्रम ही भ्रम है उस भ्रम ने हमें बहुत दुख दिया परमात्मा कहते हैं बच्चे इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने बेड़ा गर्क कर दिया अब इसका क्या मतलब हुआ हम तो बहुत ऊंचे भावना से कहते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है तो हम पाप नहीं कर सकते हैं एक्चुअली भगवान को देखने के लिए वहाँ विद्यमान होने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे भी आज हिमालया देख रहे हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है हाथी देख रहे हैं जबकि जंगल में नहीं जा रहे हैं टीवी में सब कुछ देख पाते हैं जब परमात्मा की रचना मनुष्य इतनी टेक्नोलॉजी लेकर के बैठे हैं वो तो सर्वशक्तिवान है देखो कितना सुंदर आकाश है कितना सुंदर ये सृष्टि बनाया है हर चीज़ कितनी परफेक्ट है देखो यहाँ हम माता प्रकृति की गोद में बैठे हैं हर एक चीज प्रकृति में कितना परफेक्ट है जब प्रकृति उनकी रचना परफेक्ट मनुष्य आत्मा उनकी रचना इतना सब कुछ जानती है करती है तो परमात्मा को सब कुछ जानने के लिए सर्वत्र विद्यमान होने की जरूरत नहीं है वो परम पिता परमात्मा ब्रह्मलोक निवासी हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे वो सब कुछ जानते हैं हां जब हम बुलाते हैं तो वो उपस्थित जरूर होते हैं देखो जब आप भगवान को बुलाते हैं भगवान मेरी रक्षा करो तो आपकी रक्षा होती है हम सबकी यह अनुभूति होगी किसने किया रक्षा भगवान ने किया अब जब भगवान पहले से ही वहां विद्यमान थे तो आपकी रक्षा करने क्यों नहीं आए बुलाने पर क्यों आए हुँ? एक बड़ा सुंदर मैकेनिज्म है जब हम परमात्मा को विश्व के किसी भी कोने में बैठकर याद करते हैं तो वो याद की तार वहां जुट जाती है जहां टाइम डायमेंशन नहीं है वो फिर पहले से ही आकर के हमारी रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारी सुरक्षा होती है जैसे ही हम उनको याद करते हैं वैसे ही हम एम्पावर्ड हो जाते हैं पावरफुल हो जाते हैं तो परमात्मा को हमारी सुरक्षा के लिए सर्वत्र विद्यमान होने की जरूरत नहीं है वो परमधाम निवासी है मनुष्य आत्मा ने जब अपनी बुद्धि यहां वहां मूर्ति में पानी में पेड़ में पौधे में नदी में यहां वहां जोड़ना शुरू किया तो उसका कनेक्शन ऊपर से कट गया जब भगवान से हमारा कनेक्शन कट गया तो हम दुखी अशांत हो गए तमो प्रधान हो गए तो अभी समय है उस परमात्मा को ठीक से पहचानने का दिल से पहचानने का एक्चुअली उनका और हमारा संबंध इटर्नल है अनादि है अविनाशी है एक कोई गीत है जिसमें कहते हैं आंख ना जाने दिल पहचाने सूरत या ये कैसी मतलब भले ये आंखें उन्हें नहीं पहचानती हो अलग अलग देवी देवताओं में ढूंढती हो लेकिन दिल पहचानता है हम आत्माएं उनको अच्छी तरह से पहचानती हैं जैसे ही थोड़ी गहन चिंतन में बैठेंगे हमारी आत्मा हम आत्माएं उनको ठीक से पहचानेंगे तो कहा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के बाद ज्ञान जब उसका हम मनन चिंतन करते हैं जो मक्खन निकलता है और उसके बाद खाली मक्खन निकलने से ताकत नहीं आती है अमृत का घड़ा पकड़ लेने पे कोई अमर नहीं बन जाता है उसे पान करना पड़ता है और वो जो पान करता है वो अनुभवी बन जाता है तो चलिए हम ये अमृत पान करते हैं परमात्मा के परिचय तक का ताकि इसका मनन चिंतन करते रहेंगे इसे अनुभूति में लाएंगे तो जीवन धन्य होगा सर्वप्रथम जो हमने पहले लेसन में पढ़ा अनुभव किया उस अनुभूति में पहुंचते हैं कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं इतने बड़े शरीर को चलाने वाली आंखों द्वारा देखने वाली कानों द्वारा सुनने वाली मैं एक शुद्ध आत्मा हूं दोनों लताओं के बीच इस भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक सितारा हूं मैं ये शरीर नहीं हूं शरीर की कमांडर हूं मालिक हूं मैं आत्मा डबल लाइट हूं जैसे आत्मस्वरूप में हम स्थित होते आत्मा उड़ने लगती अपने घर ब्रह्मलोक परम धाम की ओर और।, और उस ब्रह्मलोक परम धाम में मुझ आत्मा के पिता सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा निवास करते हैं जो मेरे अनादि पिता हैं। अनंत काल तक वो मेरे पिता रहेंगे मैं सर्वशक्तिवान मेरे पिता के समक्ष उपस्थित हूं वो निराकार ज्योति बिंदु हैं मैं भी बिंदु हूं वो सर्व गुणों के सिंधु हैं मैं स्वरूप हूं वो प्रेम के सागर हैं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप वो शांति के सागर हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप वो आनंद के सागर हैं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप परम धाम शांति धाम इस घर में एक गहरी शांति है साइलेंस है डीप साइलेंस स्वीट साइलेंस इस घर में अपने पिता के समक्ष उपस्थित मैं आत्मा जैसे चार छोती जा रही हूं मुझ में शांति की शक्ति भरती जा रही है निस्वार्थ प्रेम की शक्ति भरती जा रही है आनंद की शक्ति भर रही है मैं प्योरीफाई होती जा रही हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूं यही मेरा वास्तविक स्वरूप है बस खो जाए इसी अनुभूति में मैं और मेरे पिता परमात्मा इस परमात्मा अनुभूति को बढ़ाए बार बार उन्हें महसूस करें परम ज्योति के रूप में शांति ये हमने जाना परमात्मा का परिचय एक सुंदर चीज और रह गई परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है वो क्या करते हैं क्या पेड़ के पत्तों को बैठ के हिलाते हैं क्या उनका दिव्य कर्तव्य है वो हम इसके बाद जानेंगे ओम शांति